तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोपाई राइडर। से आप सब लोग बढ़िया मौज में मस्त। सो फाइनली टुडे आज मैं आया हूँ बाइक को लेके, अपने तूफान को लेके अपनी शॉप पर, यानी कि राइडर सड्डा पर। काफ़ी दिन हो गए यार, मेरा मन था अपनी बाइक के अंदर जो है फोग लैंप इंस्टॉल कराने का। आपको तो आईडिया होगा, मेरी बाइक में HGG की मिनी लाइट लगी हुई है। मैं एक बार आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा मेरा स्विच। तो मेरी बाइक में जो है मैंने HGG की मिनी लाइट लगवा रखी है, ये आपको पता होगा, ये येलो एंड वाइट वाली यहाँ लगी हुई है। उससे पहले मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ कि ये अपनी शॉप है राइडर सड्डा, वो लगा हुआ हमारा बोर्ड, ये आपको दिख जाएगी बिल्कुल करोल बाग नई वाला में, मस्जिद के सामने ही हमारी दुकान है राइडर्स का नाम से। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स मंगाए अपने लिए, तो उनमें से देखते हैं कौन सा मेरे लिए बेटर लगता है, कौन सा बेटर लगता है। बाकी मैं आपको सबको प्राइसिंग वगैरह भी बताता चलूँगा। तो चलते हैं फिर दुकान के अंदर। सो ये रही अपनी शॉप, आप देख सकते हैं। तो ये रहे अपने नितिन भैया। हाय भैया, कैसे हाल चाल? बस बढ़िया। सो भैया, कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे आज मेरी बाइक के अंदर? HGG के बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैंने दो चॉइस करे हुए तेरे लिए बाइक के लिए, पर देखता हूँ तेरे को कौन से पसंद आता है, देखते हैं दोनों की सेम होती कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये अपनी शॉप है, अपने अपना खुद का काम है, आपको पता है मैं अपना सारा काम यहीं से कराता हूँ, तो अपने घर जैसी बात है। तो ये मैंने फोग लैंप्स मंगाया भैया से, काफ़ी तरीके के हैं, काफ़ी सारे हैं, छोटी बाइकों के लिए छोटे साइज वाले भी हैं, बड़ी बाइकों के लिए बड़े वाले भी हैं। तो पहले भैया से करते हैं स्टार्ट कि भैया मेरे को एक एक करके सारे आप फोग लैंप्स दिखाइए, एंड उसके मेरे को MRP बताइए कि कितने प्राइस में हमारी दुकान पे अवेलेबल हो सकते हैं भैया प्रोडक्ट। यार सबसे पहले ये HGG के आते हैं, ये मिनी ड्राइव्स मिल जाती है आपको, इसमें येलो भी मिलेगा और आपको व्हाइट भी मिलेगा, दोनों एक ही लाइट में मिल जाएगा, कोई ढक्कन वक्कन उतारने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइट भी बहुत अच्छी है। मैं भी आपको थ्रो दिखाता हूँ इसका। भैया आजकल मार्केट में फेक भी चल रहा है HGG वाला, तो कुछ आप बता रहे थे ना कि इसमें फेक, यार ये आती है देखो, जैसे ये कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की आती है, जैसे किसी का बजट कम हो थोड़ा सा, और कुछ लोग होते हैं डब्बे में भी डाल के देते हैं, इसका निकाला डब्बा खाली होता है उसमें से निकाल लेते हैं। तो नहीं आप बता रहे ना, कुछ HGG में पंखा होता है पीछे वाला, बताओ भैया। ये पीछे फैन लगा होता है और साथ ही में HGG की ब्रांडिंग होगी यहाँ पर। ओके, सो भैया का कहने का मतलब है क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लोग है ना सामने से HGG देखते हैं कि HGG है, बट ऐसा नहीं है। HGG लाइट के अंदर हमेशा इसको कूलिंग करने के लिए पंखा होता है, एंड यहाँ पे HGG की ब्रांडिंग होती है, आप देख सकते हो। नॉर्मल लाइटों में भी वो आने लग गया, फैन आने लग गया, तो वो 700-800 रुपए के करीब की मिलती है, पर उसका थ्रो भी बढ़िया होता है, पर क्वालिटी का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो ये ज्यादा सबसे बढ़िया HGG की चलती है जो क्वालिटी में। एक साल पहले मेरी बाइक में लगाई थी भैया, अभी तक बिल्कुल सही चल रही है, आपको खुद को पता है। सो क्या प्राइस है भैया अपनी इस HGG वाली लाइट का? 1200 रुपए का पेयर पड़ेगा, 1200 रुपीज का पेयर है हमारी शॉप पर, अपनी वायरिंग सब कुछ। अच्छा, सब कुछ मिला के सिर्फ लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी, ठीक है। सो ये यानी कि ये 1200 रुपीज का है अपनी शॉप के ऊपर, आपको स्विच वगैरह सब लगा के देंगे। अच्छा वो भैया कौन सा है ये वाला दिखाओ? ये भी HGG का ही है अपना, इसमें दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर ना रेड DRL मिल जाता है आपको, मतलब इसमें येलो व्हाइट और उसके बाद में रेड कलर का DRL मिल जाता। अच्छा, ये HGG का ही प्रोडक्ट है? HGG का ही प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये अपने पास HGG का एक नया प्रोडक्ट आया, एक नई मार्केट में लाइट आई है, जिसके अंदर आपको येलो और व्हाइट दोनों मिल जाएंगे, प्लस आपको इसके अंदर DRL भी मिल जाएगा, जो आपकी बाइक को एक अलग लुक दे सकता है। तो इसका भी व्यू देखेंगे, ठीक है भैया, मेरे को इसका व्यू दिखाइए पहले आप। इसी वाली से स्टार्ट करते हैं, छोटी चीज बड़े धमाके से कि कैसा लुक आता है इसका। सो इसको लगाते हैं बैटरी के अंदर, सामने भैया हमें थ्रो दिखाएंगे, वहाँ पे देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है बाहर, तो हमने तार लगा दिया इसके अंदर। भाई इसका पहले दिखाइए भैया, फोकस दिखाइए इसका, ये येलो आ गया। सो इसका येलो फोकस है, ओहो ये देखो यार, देखो बिल्कुल व्हाइट ब्रीथ मोड में आ रहा है। और इसका दूसरा, ये इसमें ब्लिंकर भी है, ब्लिंकर भी है। ओके फाइन, अब एक बार दोबारा दिखाइए, येलो एंड व्हाइट ब्लिंकर आ गए, एंड ये आ गया इसके अंदर DRL। ओहो काफी बढ़िया लुक लग रहा है भैया, ये देखो यार ये DRL कितना अच्छा आ रहा है। सो ये भी HGG की है, HGG की है भैया, ये जर्मन HGG की है, ठीक है भैया। इसमें भी ब्रांडिंग हो रखी है, यहाँ देख लिया। तो भैया मिनी दिखाइए अब, तो मैं एक बार आपको मिनी का भी दिखा देता हूँ। सो ये फैन वाली HGG की ओरिजिनल मिनी है, उसकी आप लुक देखोगे तो आपको अलग दिख जाएगी वो। तो अगर आप कभी HGG लगवा रहे हो तो पहली बात तो अपनी शॉप से लगवाइए, हमारी राइडर सड्डा से। ये देखिए इसका व्हाइट फोकस, देखिए कितनी दूर तक आ रहा है, कितना ब्रीथ आ रहा है, देख सकते हो आप। येलो दिखाइए भैया, और ये इसका येलो आ गया, ये देखिए यार कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो ये लाइट है अपनी छोटी सी, और ये है बड़ा धमाका सामने, आप वॉल पे देख सकते हो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है सामने। अब छोटी दिखाओ, इससे बड़ी दिखाओ, अब इसी में भी है, छोटी दिखाओ पहले। अब जैसे जिनका बजट थोड़ा ज्यादा नहीं है और थोड़ी सी लाइट चाहिए, जिनको ज्यादा फोकस नहीं चाहिए, ये डबल आउल मिल जाता है, इसमें दो आंखों वाला आउल मिल जाएगा। इसका लुक कितना गजब लग रहा है यार,
देख रहे हो इसमें सिंगल कलर मिलेगा आपको, व्हाइट और ब्लिंकर मिलेगा। अच्छा ठीक है, इसकी लाइट उसके कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी, प्राइस भी कम है इसका। ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, और जलने के बाद ये इसके अंदर ब्लिंकर भी आपको मिल जाते हैं। ये देखिए सामने आप फोकस देख सकते हो, थोड़ा कम फोकस है। ये HJG के नहीं होगा भैया, HJG का ये HJG का है, पर ये कम रेंज में है। अच्छा HJG का कम रेंज का है ये, कितने का रेंज का भैया? ये 350 रुपए का, 350 का एक, ये 350 रुपीज का एक है, यानी कि अगर आप दो लगवाओगे तो आपको 700 समथिंग पड़ेगा ये। तो इसकी कुछ ऐसी लुक है। अब भैया विदाउट ब्लिंकर कैसा है? तो ये विदाउट ब्लिंकर, ये इसका फोकस है, बट अकॉर्डिंग टू 350 देखा जाए तो यार बुरा नहीं है, चीज अच्छी लग रही है और बाइक पे जो है एक अलग लुक देगी ये। सो ये नेक्स्ट है हमारे पास आउल में 3 वाली। ओ हो, इसकी लुक बड़ी जर्मन लग रही है यार, ये लुक देखो इसकी, देख रहे हो 3 आउल कितना बढ़िया लग रहा है। सो इसकी एक बार लुक देखते हैं, तो भैया चला के दिखाइए इसे। इसका फोकस बेटर देन आप उससे कह सकते हैं, देखिए सामने बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे उजाला भी हो रहा है, लाइटिंग और रखी है हमारे रूम के अंदर, दैट्स व्हाई। तो इसका लुक ऐसा है। इसके अंदर भी हमें ब्लिंकर भी मिल जाते हैं भैया, इसके अंदर इसमें ब्लिंकर भी अवेलेबल है। ये देखिए यार, ओहो हो क्या लुक आ रहा है यार, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो इसकी क्या रेंज है भैया? भैया 450 का आपको एक पड़ेगा। अच्छा ये 450 का है, वो 350 का, यानी 100 रुपीज का फर्क है, यानी कि अगर आप ये दो लगवाएंगे तो आपको 900 रुपीज का पड़ेगा ये विद फिटिंग, राइट भैया? बस लेबर कॉस्ट अलग है, ठीक है। अलग दिखाइए भैया फिटिंग में, मैं आपको स्विच और वायर बोल रहा हूँ, मीन्स उसके बाद में जो लेबर अलग लेगा, लेबर कॉस्ट अलग है। अच्छा स्विच और वायर, स्विच कौन सा दोगे भैया? आप स्विच आपको मैं ये वाला दूंगा, जो ये आ रहा है इसके साथ में ये दूंगा, और अगर अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए आपको इसके साथ में तो वो पेड है। अच्छा भैया कह रहे हैं कि हम आपको ये वाला स्विच देंगे, ये टिक टिक वाला स्विच होता है, और अगर ये देख सकते हो डबल साइड वाला, तो ये भैया हमें ऐसे ही देंगे। अगर आप ये लोगे तो इस स्विच के आपको अलग पेड करने पड़ेंगे, डिपेंड करता है आपके ऊपर यार कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है। बिकॉज अगर मेरी मानो तो मैंने पर्सनली ये वाला स्विच लगा रखा है, ये क्या है इजी इंस्टॉल भी हो जाता है और एक अलग दिखता है कि हाँ भाई क्या लगा हुआ है। तो ये सबकी फेवरेट है, ज्यादातर हिमालयन में लगती है। ओ हो हो हो, माय गॉड क्या लुक है इसका भैया, ये मेरे लिए लाओ क्या पर्सनली? तुम्हें पसंद आएगी, और ये दिखाना उठा कर दिया यार, ये वाली लाइट देखो यार, इसके साथ में कनेक्टिविटी आती है हार्नेस जैसे, अगर आपको डिस्प्ले अलग से करना हो तो बस ये वाली वायर अपनी बाइक पे छोड़ दो, और रात को जैसे उतार के लेके जाने तो उतार के लेके जा सकते। अच्छा माने इसे हम उतार भी सकते हैं? ये देखिए ये इजी इंस्टॉल और इजी आउट हो सकती है अपनी बाइक के अंदर से, और भाई इसका लुक गजब है और हैवी भी है यार, बुलेट वगैरह में लगने के लिए, और अपनी V3 में तो चौकस लगेगी। भैया इसका लुक दिखाओ, और इसका ये देखो, अगर यदि येलो है आपको व्हाइट करनी है तो ये कैप उतार दो और ये व्हाइट हो जाएगी। इस पे जो है कैपिंग सिस्टम है, यानी कि अंदर जो है व्हाइट बल्ब ही है, LED है, और कैपिंग सिस्टम है जिसे हम लगा के इसे येलो कर सकते हैं एंड व्हाइट कर सकते हैं। भैया इसका लुक दिखाओ, तो अभी तक मेरे दिल को ये भाग गई है, और हो सकता है मैं इसे इंस्टॉल करवा लूँ, जो कि जो भैया ने इसकी फिटिंग बताई है कि आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो भाई साहब इसे देखना जरूर बनता है, ये वाली लाइट का फोकस देखते हैं जरूर यार। ओ हो हो हो, ये देखो यार, जमीन पे पड़ेगी ना बहुत ज्यादा, गजब गजब ब्रीथ है इसकी, ये देख सकते हो आप, अलग भी वाइट पे नजर आ रही है और वहां भी देख सकते हो कितना अच्छा फोकस है इसका। भैया एक बार इसका वाइट, अच्छा इसमें ब्लिंकर भी है भैया? हाँ। एक येलो हो गया, सेकंड करा, सेकंड करो, ये ब्लिंकर नहीं है इसमें। अच्छा इसमें ब्लिंकर नहीं है, इसमें सिर्फ येलो फोकस है। ग्लास हटाना भैया, कैप उतारोगे तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट का भी गजब लुक है भाई, गजब। यानी कि अगर ये लग जाए बाइक के अंदर, लुक देखो यार। इसमें आप अगर ब्लिंकर लगवाना चाहते हैं तो अलग से हार्नेस आती है, वो हार्नेस लगवा लीजिए, उसका पेड अलग से चार्जेस करने पड़ेंगे आपको, तो वो हार्नेस मिल जाएगी, तो आपको ब्लिंकर भी लग जाएगा। अच्छा नहीं भैया गजब लग रही है तो मेरे को यार, पर्सनली अभी तक तो मेरे को ये पसंद आई है। इससे भी कुछ टॉप का लेके आए हो क्या भैया? बहुत है इससे ज्यादा भाई साहब, इससे भी टॉप का है, तो इसे साइड रखवाते हैं अपनी बाइक के लिए, इसको करते हैं बंद। तो भाई ये तब तक मेरी फेवरेट हो गई है पहली लाइट। अब ये एक नया अली बाबा का चिराग लिया है भैया। ओ हो, ये खतरनाक, और ये मेरी आज अभी मतलब एक फेवरेट थी मर्सिडीज लाइट, ये मर्सिडीज लाइट है भैया जो? नहीं मर्सिडीज लाइट मेरी फेवरेट थी, पर अब ये हो गई है। इसका फोकस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका मर्सिडीज से भी ज्यादा। तो ये भी अपनी HJG की है भैया? ये भी HJG है, इसका HJG की है, ये सब पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी जो भी ओरिजिनल है, यानी हमारे पास सारी जो चीजें है भैया ओरिजिनल है, जेन्युइन काम कर रहे हैं हम, ज्यादातर HJG की चलती है, बाकी अगर किसी को डुप्लीकेट चाहिए हो तो भैया लगा देते, जिससे किसी का बजट नहीं है। ये डिपेंड करता है, जब कस्टमर हमारे पास आता है वो बोलता है भैया डुप्लीकेट चाहिए, दूसरे ब्रांड्स क्या, दूसरे ब्रांड की कहीं नहीं लिखा होगा, मतलब डुप्लीकेट काम नहीं करते,
पर्टिकुलरली दूसरे ब्रांड की दे देंगे, ये नहीं होगा कि भैया डब्बे में कुछ और है कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि भाई अपने पास जो वैरायटी है वो बहुत बढ़िया है। और ये देखो यार, ये तो कोई एक मोटो जीपी का एडिशन सा लग रहा है। और ये देखो इसका फोकस, ओहो ये देखो यार, तो ये इसका ब्रीथिंग देख रहे हो आप कितनी ब्रीथिंग है, ओहो हो ये देखो यार इसका फोकस देखो, ये एक लगा हुआ है अभी, और इसकी लुक देख लो यार, ओ माय गॉड ये देखो यार इसकी लुक देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये सामने से है, ये देखो मेरे फेस पे पड़ रही है, ये देखो भाई टॉप क्लास है। ये व्हाइट जलाना भैया एक बार इसमें दोबारा से, क्योंकि मेरे को व्हाइट का फोकस देखना है। इसमें ब्लिंकर भी अवेलेबल है भैया अपने में? ब्लिंकर वही आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी ब्लिंकर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो बड़े लैंप्स होते हैं जिनमें बड़ी एलईडी होती है उनमें ब्लिंकर्स नहीं आते, क्योंकि उसमें वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये देखो यार, देख रहे हो ब्रीथिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया आ रही है। तो भैया आपने इसकी अपन को कॉस्टिंग नहीं बताई भैया। ये पड़ेगा आपको 2500 रुपए का पेयर पड़ेगा। अच्छा, ये वाला 2500 रुपए का पेयर है, दो लाइट है 2500 रुपए की। अगर हार्नेस लेने जाते तो 1000 रुपए ऊपर और। अच्छा, 1000 रुपए का हार्नेस और लगेगा इसके अंदर। हार्नेस से भी कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं नहीं, उसमें आपको ब्लिंकर मिल जाता है, उसके बाद में जैसे वायर कटिंग नहीं होती, तो ये सब चीजें अगर दो चार ऑप्शन उसमें मिल जाती, ब्लिंकर मिल गया, उसके बाद में कोई कटिंग नहीं, वैसे कटिंग इसमें भी नहीं होती, हम कपलर टू कपलर काम करते हैं। तो अगर ऐसे आपको उसमें चाहिए कि भैया आपकी बैटरी पे वो ना पड़े, ज्यादा जोर ना पड़े, तो आप हार्नेस लगवा सकते हैं। पर भैया ये वाली लाइट मेरी अब इससे ज्यादा फेवरेट ये मेरी लाइट हो गई है। तो भैया ने बताया ये है 2500 रुपीज का पेयर, HJG का है, ओरिजिनल फिटिंग भी इसके साथ अंदर डब्बे में देख सकते हो। और ये वाले का क्या बताया भैया, इसका प्राइस नहीं बताया आपने हमें? ये पड़ेगी आपको 2200 रुपए का पेयर पड़ेगा। ये हमें पड़ेगी 2200 रुपीज का पेयर विदाउट हार्नेस, विदाउट हार्नेस, यानी कि इसमें भी हार्नेस लगाएंगे तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो भाई गजब गजब लाइट है, 2200 रुपीज की, 2500 रुपीज की। ओ भाई मेरी मानो तो फोग में तो भैया बहुत जरूरी चाहिए ये लॉन्ग राइड पे, क्योंकि अभी मैं खुद लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ भैया के साथ ही, हम दोनों जाएंगे साथ, तो इसलिए मैं इसे इंस्टॉल कराऊंगा। तो भैया इससे भी हार्ड है कुछ हमारे पास? इससे भी हार्ड है भाई कुछ, तो भैया वो भी दिखा दो एक बार। ये देखो यार एक और डब्बा खुलने वाला है, बड़ा वाला, सारे बड़े बड़े डब्बे लेके आया भैया, क्योंकि मेरा काफी दिन से प्लान था एक फोग लैंप लगवाने का। ये फोग लैंप दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो। ओहो हो, ये तो भाई साहब, अब ये HJG की नहीं है। अच्छा, ये HJG की नहीं है भैया? ये HJG की नहीं है, ये अपने की कैरी कंपनी की है, चाइनीज कंपनी है, सारी वैसे चाइनीज है, बट ये है कि इसका क्वालिटी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बढ़िया है भैया। एक बार जला के दिखाओ ये वाला पीस, मेरे को पहले ये पसंद आया, फिर ये पसंद आया अपना, अब ये पसंद आ रहा है मुझे, तो देखते हैं मैं कौन सा डिसाइड करता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सो ये इसकी लुक है, इसके लेंस देख सकते हो यार, ओ हो हो इसकी लाइटिंग बढ़िया है यार, ये देखो यार सामने की खिड़की में फोकस देख सकते हो बिल्कुल साफ, वाइट दिखाइए भैया इसका, और ये इसका वाइट है। बट भैया जितने इसमें ये दे रखी है मेरे को तो ये वाला ज्यादा इसकी अच्छी रोशनी लगी, इसका थ्रो ज्यादा बढ़िया है, इसके इससे थोड़ा कम है, वही वाली बात है यार, HJG है तो HJG का तो कमाल। इसका क्या प्राइस है भैया? बाय द वे आपको मिल जाएगी 2100 रुपए का पेयर मिल जाएगा। अच्छा, ये 2100 की है, वो 22 की है, वो 25 की है, यानी कि अब तक जो मार्केट में टॉप है वही है। तो अपने को कौन सी लगवानी चाहिए भैया ये बताओ भाई? एक ये है अपनी में, अपने R15 में अच्छी लगेगी, बाकी बुलेट में मैं आपको इसी की लाइट के टक्कर में दिखाता हूँ। दिखाइए भैया बुलेट में अच्छी लगेगी। अच्छा, एक बार दिखाइए। तो ये वाला मुझे पसंद तो आ रहा है, बट थोड़ा ना बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है वो, थोड़ा वो तो, उसके थोड़ा वो निकाला कि ढक्कन लगा था, इसमें ढक्कन नहीं लगा। एग्जैक्टली, तो अकॉर्डिंग टू मी कि कुछ अजीब लगेगा बाइक पे, क्योंकि ये वाला छोटा भी है और ये अच्छा भी लग रहा है, दैट्स व्हाई मैं ये चूज कर रहा हूँ। बाकी आगे भैया एक चीज और दिखा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं पहले क्या है। आपकी बाइक के लिए तो मैंने यही चूज करा था, क्योंकि ये छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका। ये हमारा भाई, ये बात ये होती है चीजें, अगर जैसे किसी के पास बुलेट है उसको थोड़ी वो लाइट छोटी लगेगी, तो उसके लिए भैया लुक दिखाता हूँ मैं खतरनाक, जिसकी बाइक का एकदम मतलब टॉप लगती है ना। ओहो हो, यही तो मर्सिडीज लाइट होती है शायद। इसको मर्सिडीज लाइट बाय लाइट कहते हैं। ये मर्सिडीज लाइट है भाई, इसका लुक देखो यार। पर ये अकॉर्डिंग टू मैं ना ये अच्छी भी बुलेट पियाक जावा वगैरह पे ज्यादा अच्छी लगेगी, अपना ज्यादातर क्रूजर बाइक पे, क्रूजर बाइक पे चाहिए, क्योंकि ये हैवी है एकदम, क्वालिटी देखो यार, और वजन भी बहुत ज्यादा है भैया। एक बार चला के दिखाओ इसे, ये तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैक्टर की लाइट हो, ट्रक की लाइट हो। देखो ओ तेरी, ये देखो यार इसका फोकस का ब्रिथ देखो, कितना बड़ा ब्रिथ आ रहा है, पूरा रोड कवर कर लेगा भाई अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो। ये देखो भाई, ये देखो येलो दिखाना भैया, ओहो हो भाई एक बार भैया यहाँ दिखाओ, ये देखो यार ये देख रहे हो, माने अकॉर्डिंग टू मी कि आप जितनी दूर फोकस करोगे उतना फोकस इसका बढ़े जा रहा है।
भैया कितना चला जाता है फोकस इसका, कुछ आपने देखा होगा? तो कम से कम नहीं तो मतलब अच्छा खासा चला जाता है, अपने विजिबिलिटी होती है 100 मीटर 200 मीटर आराम से आती है, 100-200 मीटर की विजिबिलिटी यार। पर ये अपनी V3 में ओट लगेगा, कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा लगेगा भैया, है ना? तो ये नहीं प्लान करते अभी। तो अपना जो मेन था HEG लाइट दिखाने का आपको कंसर्न ये था, क्योंकि आजकल फोग ज्यादा हो रही है ना भैया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई लॉन्ग राइड प्लान करें, क्योंकि मैं खुद लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ, तो हम खुद फोग लैंप लगा के कि आपको एक दिखा पाए कि हाँ भाई आप हमारे पास आ सकते हो, ये वाले फोग लैंप लगवा सकते हो। बाकी और क्या क्या फैसिलिटीज है भैया हमारे पास दिल्ली में भी? अपना फोग लैंप अभी तो इसलिए नहीं है कि भाई ठंड में फोग लैंप लगाने, अगर आप ज्यादा राइड करते हो तो हाईवे पे भी जरूरी है, चाहे गर्मी हो, क्योंकि गर्मी में फोग नहीं होती पर खड्डे वड्डे तो होते ही और गड्ढे तो भैया ज्यादा होते ही है। तो और क्या क्या वैरायटी है भैया अपने पास, मेरे को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। तो ये हैंडल है भैया? तो हैंडल्स वगैरह भी है हमारे पास, की रिंग्स भी है, ये लाइट मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये हो गए स्लाइडर्स हो गए। तो भैया ये क्या है? ये भैया आजकल एक नई चीज चली है, छोटे ब्लिंकर्स है, जैसे पीछे की लाइट में या एक एमटी के जो आगे रिंग लाइट लगती है उसको अलग तरह के पैटर्न देना चाहो तो आप इसमें दे सकते हो। तो भाई साहब ये मेरे को एक कुछ अलग दिख रहा है, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है मोड ऑन ऑफ, तो भैया ये कहना मतलब है ये ब्लिंकर का काम करते हैं लाइट के अंदर। तो भाई साहब इसको भी करवाएंगे अपने V3 में इंस्टॉल, बैकलाइट भी हो जाएगी भैया इससे? बैकलाइट भी हो जाएगी। तो इससे अपनी V3 की बैकलाइट हम कराएंगे। बाकी ये भैया ने बताया स्विचेस है और मिल जाएंगे आपको ये फुट रेस्ट है अपने बुलेट के लिए, और अदर्स बाइकों के भी मिल जाएंगे भैया। स्टिकर्स भी है अपने पास भैया, स्टिकर्स वगैरह भी, और कस्टम अगर आप बनवाना चाहे तो बना भी देते हैं हम, पर उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। मिल जाएगी आपको, आपको एंटॉक की डिटेल मिल जाएगी, R15 की मिल जाएगी, KTM की मिल जाएगी, मेरी वीडियोस चेक करोगे चैनल पे बहुत सारी डिटेल, यानी पूरी ग्राफिक किट्स भी मिल जाएगी भैया का। अपने भैया का भी चैनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना भूल गया आपको, राइडर्स अड्डा नाम से हमारा चैनल है जिसको भैया और मैं हैंडल करते हैं, बाकी मेरा चैनल तो आपको पता ही है, पापा राइडर से। तो ये बुलेट की लाइट लगी हुई है भैया? ये बुलेट की लाइट है भैया, और ये वाली लाइट कौन सी भैया, कैसेट लाइट सी जो लग रही है, दिखाओगे एक बार? ये भी भैया फॉग लैंप है, ये देखिए यार लोगों को, ये चला के दिखाओगे भैया जरा, इसका लुक देखते हैं, क्योंकि कुछ अलग सा लग रहा है, हीरो होंडा वालों के लिए जैसे चाहिए होता है। तो HEG का ही है, ये भी ब्रांडिंग देख सकते हो, ये भी HEG का ही है। तो इसे एक बार चला के देखते हैं। अच्छा इसके अंदर हो भाई लुक देख रहे हो, और सच में फोकस है भाई, मैं देख रहा हूँ इसका फोकस है, विजिबिलिटी है, फ्लेवर्ट वाली है, और इसमें सिर्फ व्हाइट ही है, इसमें सिर्फ व्हाइट ही है। तो ये कितने का भैया अपने पास? ये भैया आपको मिल जाएगा 1600 रुपए का पेड़। अच्छा ये आपको 1600 रुपए का पेड़ पड़ेगा, ये HEG का भाई साहब, और काफी अच्छा लग रहा है, ये 1600 रुपए इसका पेड़ है, ये नहीं प्लास्टिक है, और ये हैवी है सच में यार, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई, क्योंकि ये विंग्स जो बने हुए हैं ये ठंडा करने के लिए होते हैं लाइट को। तो LED लाइट है ये हमारे पास, ये फोग लैंप्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये हेलमेट लाइट मिल जाएगी आपको पीछे जो छोटी सी लगती है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपने देखा होगा, हेलमेट लाइट्स होती है ये वाली लाइट भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी पीछे पीछे भैया देखो ये क्या भैया जो ये लगे हुए है, ये लीवर्स मिल जाएंगे आपको MT के, R15 के, एक बार दिखाइए भैया लीवर्स जरा, ये ब्रेक एंड क्लच लीवर्स है, गोल्डन में मिल जाएंगे, ओहो लुक देखो यार। तो भैया कस्टम होते हैं किसी बाइक में शुरू जाते हैं? पर्टिकुलर हर बाइक के आते हैं, जैसे देख सकते हैं V3 ABS वाले लिखे हुए हैं, अच्छा तो हर बाइक के अलग अलग आते हैं। अच्छा ये V3 यानी कि मेरी V3 के ABS वाले हैं, उसमें लग जाते हैं, MT में लग जाएगा, जैसे ये ज्यादातर यामा की सारी बाइकों में लग जाएगा जो उसके है, बजाज के अलग आते हैं, KTM के अलग। इसका क्या प्राइस है भैया हमारे पास? ये भैया आपको ये स्पेशली गोल्डन वाले आपको मिलेंगे 1200 रुपए के, ठीक है, और अगर आप जैसे कि कोई ब्लू में लेते हैं तो आपको 700-800 रुपए। अच्छा वो सस्ते पड़ते हैं, तो ये भी कंपनी के होते हैं भैया, लोकल होते हैं कुछ? लोकल नहीं, चाइनीज आइटम है, चाइनीज आइटम है, सही चलती है भैया, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पेंट वेंट तो नहीं होता ना भैया इनका? तो भाई ये काफी अच्छा लग रहा है, वो तो मेरी बाइक का लुक ही ब्लैक एंड रेड है, वरना इसको लगवाने में कोई टेंशन नहीं थी। बाकी देखते हैं आगे, ये पीछे इंडिकेटर लग जाते हैं, ये पांच वाले भी आते हैं, ये देखिए यार ये इंडिकेटर, अच्छा ये लाइटिंग वाला इंडिकेटर है भैया, ये चला के दिखा सकते हैं भैया आप हमें को? ये चला के देखते हैं, क्योंकि इंडिकेटर का कुछ अलग लुक लग रहा है यार, और मैंने बहुत बाइकों में इंस्टॉल करे हुए देखे ये इंडिकेटर। अच्छा टेपिंग टाइप के होते हैं ये आगे पीछे से, मैं आपको बार दिखा देता हूँ, ये टेप वाले होते हैं, ये चिपक जाते हैं उसके पीछे, भैया चला के दिखाइए वाला, तो ये देखिए ये इसके अंदर DRL है, ये आपको दिख सका होगा, ये DRL में लगा सकते हो, ब्रेक में लगा सकते हो, जैसे आपको कनेक्ट करना हो, और साथ में इंडिकेटर, ये इसका DRL है रेड ब्लू कलर का, एंड इसके इंडिकेटर ये वाले हैं। तो एक बार ये वाला इंडिकेटर चला के दिखाओ भैया, ओहो इसमें ब्लिंकर भी है, यानी कि ऑलरेडी कंपनी ने ब्लिंकर हमें इंस्टॉल कर दिया है। ये कितने प्राइस का भी है हमारे पास? ये हमारे पास 500 रुपए का है, काफी अच्छी आइटम लग रही है ये, मैं सोच सकता हूँ अपनी V3 के लिए, ठीक है भैया। और मुझे क्या दिख रहा है भैया, वो क्या है रेड वाले डब्बे में कुछ अलग दिख रहा है? ये भैया लीवर गार्ड है, इसमें आपको गोल्डन कलर मिल जाएगा,
अच्छा ये लीवर गार्ड है, लीवर प्रोटेक्टर है, जो यमा के स्पेशली यमा के लग रहे हैं अभी हमें को, तो ये किसी में भी लग जाते हैं। अच्छा कस्टम साइज होता है ये भी, यमा R15 में बहुत बढ़िया लगते हैं, पर लग क्योंकि कुछ जो लुक आ रही है यमा R15 वाली आ रही है इसकी, तो ये लीवर प्रोटेक्टर है। इसका क्या प्राइस है हमारे पास भी? आपको मिल जाएंगे 450 के। ये 450 रुपीज की है। इसमें एक ही क्वालिटी आती है और अच्छी क्वालिटी आती है? ये सबसे बढ़िया क्वालिटी चल रही है, इसमें और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा इसमें और भी क्वालिटी आती है, ये अच्छी क्वालिटी चल रही है हमारे पास। एंड भैया ये क्या है इस बाइट वाले डब्बे में? उसके बाद ये देखिए एक बार ये दिखाने का, ग्रिप आ जाते हैं गोल्डन कलर के, आजकल जैसे एमटी में लोग कराना जाते हैं कि ग्रिप भी चेंज करा लेते हैं, पूरे गोल्डन गोल्डन बाइक। ग्रिप मतलब भैया जिसको हम रेस तो एक इसमें दोनों है या एक ही है? दोनों है। अच्छा यानी कि ये जो हम रेस वगैरह है अपना उसको भी चेंज करा सकते हैं, और आजकल मार्केट में तो उसकी काफी अच्छी वैल्यू है यार। तो ये उस पे कटके लगते हैं भैया या उस पर ही? कटके लगेंगे। अच्छा ये उसके ऊपर कटके इंस्टॉल हो जाएंगे, वो काफी बढ़िया लगते हैं भाई, काफी अच्छी लुक आ रही है, पूरी फिटिंग है इसकी में हमारे पास। कितने प्राइस का होगा भैया हमारे पास? 500 रुपए का पड़ेगा। ये अब 500 रुपए इसका है, काफी चीप प्राइस है भैया हमारे पास तो चीजों का, क्योंकि मार्केट में हम जाते हैं पीजेस वगैरह पे तो काफी महंगी चीजें बिकती है, तो आप शॉप का नाम ले लूंगा पर हमारे पास सस्ता माल है भैया। ये बात तो है। और क्या भैया अवेलेबिलिटी है भैया? ऊपर मिरर मिल जाएंगे आपको, ये नब प्लेट मिल जाएगी। हाँ ये दिखाओ, ये देखिए यार R15M की जो अपने एग्जॉस्ट के ऊपर प्लेट लगती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, स्टील के अंदर है, बढ़िया क्वालिटी है। इसका पेंट वेंट नहीं उतरता ना भैया? ये कितने है, कितने प्राइस का भैया ये वाला? आपको पड़ेगा 400 रुपीज। सिर्फ 400 रुपीज की है यार ये। मैंने मार्केट में पता किया था भैया कुछ टाइम पहले, तो जब आपकी दुकान पे नहीं आता था मैं, तो मेरे को किसी ने 800-1000 रुपए की बताई थी, तो ये 400 रुपीज की। हम भी राइडर है तो राइडर्स का ध्यान रखते हैं भैया। भैया आप नुकसान में तो नहीं जा रहे ना? नहीं नुकसान में नहीं जा रहा, कमाने के लिए बैठा हूँ, कमा के जाता हूं। तो भाई यानी कि आइटम देखो यार, ये मैंने खुद पर्सनली काफी महंगी पता की थी, ये 400 रुपीज की एम की, और वहाँ पे एक गोल्डन और दिख रही है मेरे को, वो V4 की है, वो गोल्डन वो वाली भी सेम रेट है भैया? सेम, यानी कलर कोई सा भी हो 400 रुपीज का है। तो ये भी देखिए यार, ओहो हैवी भी है भाई, ऐसा नहीं एल्युमिनियम एल्युमिनियम है, काफी हैवी है, और ये कुछ गोल्डन कलर का लुक है, तो ये भी अच्छी लग रही है। बाकी और देखते हैं भैया, और भी चीजें मेरे को नजर आ रही है भैया, तो यहाँ पे आते हैं। ये सब क्या है भैया? भैया ये अलग अलग तरह के इंडिकेटर है, दिखाना चाहूंगा। ये अपने पास इंडिकेटर्स है? हाँ। सो ये इंडिकेटर्स है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अभी डिस्प्ले बना रहे हैं थोड़ा सा तो अभी लगा देंगे। और तो भाई साहब ये इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बुलेट के लिए भी है, KTM वाले भी है हमारे पास। ये वाले देखिए, ये KTM की जो चाइनीज क्वालिटी आती है वो है, तो ये सब इंडिकेटर्स है हमारे पास। स्टिकर्स भी है, ग्राफिक्स भी है, मिरर्स भी है, तो यानी कि भैया कहना चाहे तो सब मिल जाएगा हमें, सिर्फ आने की देरी है। आपको जो चाहिए अगर जैसे ऑर्डर भी करना चाहते हैं, अभी हमारे पास COD नहीं है, हमारी वेबसाइट भी खुल रही है riders.in के नाम से, अपनी riders.in नाम से वेबसाइट है, और अपना पेज जो है riders.in नाम से है यूट्यूब पर। तो अगर हम आपको कमेंट करते हैं भैया, तो आप रिस्पॉन्स तो करते होंगे ना चीजों का? मैंने कभी भी चेक कीजिए, मैं जितने भी कमेंट आते हैं मैं रात को कर देता हूँ, जैसे सुबह शॉप पे बिजी होता हूँ तो रात को जाके कर देता हूँ। तो यानी कि अगर हम आपको ऑनलाइन ऑर्डर देंगे तो आप वो भी डिलीवर कर दोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है? तो भाई साहब हमारे पास जो है ओरिजिनल में सारी फैसिलिटी है, सब है भैया, क्योंकि मेरे को वहाँ पीछे वाइजर भी नजर आ रहे हैं, तो वाइजर वगैरह सब है, क्रैश गार्ड भी नजर आ रहे हैं ऊपर आप देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको। तो ये मिरर्स भी देख सकते हो आप, ये V3 के लग रहे हैं मेरे को, तो नहीं ये सब में लग जाते हैं। अच्छा सब बाइकों में, तो कस्टम साइज चीजें हमारे पास ज्यादा है जो सब बाइकों के लिए बनी हुई है। तो अगर हम ऑर्डर करें तो भैया को आप भैया के चैनल पे जाके कमेंट भी कर सकते हो, बाकी आप मेरी वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि भैया और मेरा साथ का ही है जो भी है। तो एक्चुअली में ये वीडियो हमने अपनी शॉप दिखाने के लिए बनाई है, ये आप देख सकते हो, इंडिकेटर्स की वैरायटी देख सकते हो बल्बों की, ये देखिए जिसको आप सिमटेक का बल्ब कहते हो वो हमारे पास भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी लगवा सकते हो, ये काफ़ी चीप प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितनी तरीके की चीज़ें हैं, ये देखिए ये ब्लिंकर वाला है, ठीक है, LED में है, ये वाला भी LED में आता है, ये देखिए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगवाना चाह रहे हो अपनी बाइक के अंदर, काफ़ी सारी फैसिलिटी है। तो भैया आप अपनी बाइक में फोग लैंप इंस्टॉल करें? हाँ, करते हैं। तो कौन से वाले करते हैं भैया, जो आप बताओ? वैसे मैंने आपके लिए ये चूज कर रखे हैं। तो जो भैया ने चूज किया है, यानी कि भैया की बाइक ही है वो, तो भैया ने चूज किया ये वाला, तो हम चलते हैं अपनी बाइक के अंदर कराते हैं ये वाले फोग लैंप इंस्टॉल। तो ठीक है फिर चलते हैं हम ये फोग लैंप इंस्टॉल कराने के लिए।